सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और गाइस ये वाली वीडियो होने वाली है पोकेमोन यूनाइट फैंस के लिए। तो गाइस इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ पोकेमोन यूनाइट। मुझे पता है कुछ लोगों ने खेलना स्टार्ट कर दिया और ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो मास्टर पे ऑलरेडी ऊपर जाके बैठे वो बोलेंगे यार हमको क्यों गेम सिखा रहा है, हमको तो सब कुछ आता है। ये है बिगिनर्स के लिए जिनको गेम अभी तक समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। और गाइस अगर आप एक प्रो प्लेयर हो तो इसमें कुछ टिप्स आपके लिए भी है। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम ये वाली वीडियो भी सीधा स्टार्ट करता हूँ। तो चलो गाइस मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो गाइस ताकि आप लोगों को समझ जाओ कि थोड़ा बहुत खेला मेरे को भी आते। तो गाइस यहाँ पर अभी मैं हूँ मास्टर पे और पॉइंट्स आप लोग देख सकते हो 1505 और करंट वर्ल्ड रैंकिंग 3478। तो गाइस ये अभी मेरी प्रोफाइल है और कुछ लोगों को अगर मेरे को ऐड करना होगा तो आप लोग ऐड कर लेना, हम लोग साथ में जरूर खेलेंगे। और मैं यहाँ पे आपको गाइस अपने पोकेमोन्स और अपने बैटल रिकॉर्ड्स भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा भी फेवरेट करंट लुकारियो चल रहा है, आप लोग देख सकते हो मेरा विन रेट इससे काफी अच्छा है कंपेयर टू अदर्स। पहले मैं जेराओरा खेलता था बट फिर जेराओरा मैंने खेलना बंद कर दिया। मैंने सिंडरिस भी काफी खेला है और टैलन फ्लेम भी, बट अभी करंटली राइट नाउ माय फेवरेट पोकेमोन इज लुकारियो। आप काफी कुछ हैंडल कर सकते हो उससे, इट्स ऑलराउंडर। और यहाँ पे गाइज पहले मैं जब सीख रहा था मैंने गाइज मास्टर सोलो किया, आप लोगों को अगर नहीं बता तो वहां पर सीखते सीखते ना स्टैट्स थोड़े इतने अच्छे है नहीं अभी, बट स्टैट्स बन जाएंगे ऑफकोर्स जब आप फुल स्क्वाड के साथ खेलोगे, इसमें स्क्वाड काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये तो थी मेरी प्रोफाइल और अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरी लेवल है 36 अभी। और सीधा बढ़ते हैं अभी गाइज पहली टिप की तरफ। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको पॉइंट नंबर वन बता दूं, तो गाइज आपको पॉइंट नंबर वन में सबसे बेसिक चीज यहाँ पर गाइज आप लोगों को पहले चूज करना है अपने लिए परफेक्ट पोकेमोन। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो आप लोग चार्ट्स देख रहे हो ये है ऑलराउंडर्स, चारिजार्ड, गार्चोम, लुकारियो, माचेम। तो गाइज ये लोग चार ऑलराउंडर्स हैं। फिर आते हैं गाइज यहाँ पर अटैकर्स, यहाँ पर अटैकर्स आप लोग देख सकते हो 8 अटैकर्स हैं हमारे पास। तो अगर आप लोगों गाइज आप लोगों ने कोई पहले मोबा खेला है तो आप लोग उस हिसाब से अपना चूज कर लेना, बट गाइज मैं प्रेफर करूंगा आपको हर एक कैटेगरी से ना एक पोकेमोन तो आना चाहिए अगर आप लोग सोलो खेलते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइज अगर आपका फेवरेट पोकेमोन फॉर एग्जांपल जेराओरा स्टार्टिंग में बहुत सबका फेवरेट चला था तो वो गाइज ना ये जो स्पीडस्टर्स है इंस्टॉल ऑफ कर लेते थे लोग उसको, तो आप लोगों गाइज उस आप लोग जब उसने इंस्टॉल ऑफ कर लिया तो आप लोगों को दूसरा पोकेमोन भी आना चाहिए। तो हर कैटेगरी से एक एक पोकेमोन सीखो, सपोर्टर, स्पीडस्टर, अटैकर, डिफेंडर। तो गाइज उससे क्या होगा ना कि अगर आप सोलो खेलते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को पता है टीम गेम है गाइज, अगर आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर टू में गाइज मैं आपको बताता हूँ स्टील फार्मिंग व्हेनेवर पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे आपको गाइज स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो गाइज स्टील फार्मिंग लुकारियो एंड ये सब सबसे होती है जो कि ऑलराउंडर्स होते हैं, बट आप हर पोकेमोन से कर सकते हो जैसे गाइज आपको मौका मिलता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो मैं जंगल कर रहा हूँ ये मैं दूसरे एनिमी का कर रहा हूँ, जिसको गेम गाइज जो कि अल्ट्रा वल्ट्रा पहुंच चुका है ना तो वो समझ गया होगा कि स्टील फार्मिंग करना बहुत जरूरी है। बट अगर आप अभी गेम स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर जब आप जंगल करते हो लाइक दूसरे का आपको जंगल दिख रहा है ना, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेन बफ है दूसरे वाले टीम का, तो हम लोग गाइस यहाँ से यही उठा लेंगे। तो इससे क्या होगा ना सामने वाले बंदे की एक्सपी नहीं बढ़ेगी तो उसकी लेवल आपसे कम रहेगी, तो उस हिसाब से आपको पता है जितनी ज्यादा आपकी लेवल उतने आपके अटैक्स बेनिफिशियल होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो गाइस ये चीज भी आपके काफी ज्यादा काम आती है अगर आपको गाइस जैसे ही मौका मिल रहा है फटाफट, जैसे ही किल करने का मौका मिल रहा है किल भी कर लो, बट गाइस जैसे जंगल आपको जहां पर भी चुनाने का मौका मिल रहा है ना बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि आपको पता है आप दूसरे का जंगल लोगे फिर अपना जंगल लोगे तो आपकी एक्सपी उससे ज्यादा बढ़ेगी अपोनेंट से और उसकी कम रहेगी। तो चलो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर थ्री। तो गाइस पॉइंट नंबर थ्री में मैं आपको बताता हूँ टॉप स्क्रीन का यूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा सब लोगों को आता है टॉप स्क्रीन यूज करना, बट जिनको नहीं आता जो बहुत ही ज्यादा बिगिनर है, मुझे पता है कई लोग मुझे मिले हैं कि भाई ये कैसे होता है, मेरे डीएम्स मैंने देखा इंस्टाग्राम में। तो मैं आप लोगों को एक सिचुएशन दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर गाइस जाकर चुपचाप छुप गया, आप लोग देख सकते हो मेरी स्क्रीन में वो बंदी नहीं दिख रही है, बट जिस तरीके से मैं इनको देख रहा हूँ आपको टॉप स्क्रीन पे ऐसे अपनी फिंगर रोटेट करनी है, उससे ना गाइस आप हेल्थ देख पाओगे एनिमीज की जो भी आपके मैप में विजिबल है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी हेल्थ कम है इस वाले पोकेमोन की। तो मैं गाइस ये जैसे ही वहाँ पे टेलीपोर्ट करा था मैंने इसको यहाँ पे पकड़ लिया और मैंने किल कर दिया। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आप लोग ना ड्रेडनो रोटोम भी देख सकते हो। तो वो कैसे देखते हैं मतलब हो ड्रेडनो रोटोम के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, बट इट्स अ वेरी बेसिक टिप जो कि सब लोगों को आती होगी, बट जिनको नहीं आती आप लोग टॉप स्क्रीन का यूज किया करो गेम खेलते खेलते, काफी ज्यादा आसानी होती है उससे। आप लोग दूसरे एनिमीज की हेल्थ देख सकते हो और आपको पता है अगर उसकी हेल्थ कम है तो फटाफट जाके धर लो उसको और मार दो भाई। तो गाइज ये वाली ट्रिक नहीं है, ये एक टिप है जो कि गाइज बहुत ही बेसिक है बहुत ही बिगिनर लोगों के लिए, बट अगर आप ये गेम स्टार्ट करें तो मेक श्योर टॉप स्क्रीन का यूज करके गेम खेलो, काफी ज्यादा हेल्प होगी आपकी। और गाइज मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा ड्रेडनो रोटोम वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज बढ़ते हैं इसी के साथ पॉइंट नंबर फोर में। तो गाइस पॉइंट नंबर फोर में ऑलवेज गो फॉर ड्रेडनो। तो गाइस ड्रेडनो क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता मैं आप लोग बता दूं, गाइस जैसे ही आप लोग ये जो कछुआ देख रहे हो इसको मारते हो
आपकी एक्सपी बढ़ती है और साथ ही साथ आपकी टीम की भी एक्सपी बढ़ती है। जी हाँ गाइज, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि टीम, अगर आपको कोई टीममेट है जो सपोर्टर रोल खेल रहा है वो जंगल नहीं कर सकता, वो उसके पास जंगल क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसकी लेवल हमेशा कम रहती है, 8-9 रहती है आधे आधे गेम तक। तो जैसी गाइज अगर आप ये ड्रेडनो ले लोगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इंटेंस फाइट चल रही है, बट यहाँ पर गाइज हम लोग करेंगे ड्रेडनो को स्टील। आप लोग देख सकते हैं मैंने ड्रेडनो ले लिया, हालांकि मैं यहाँ पे मर गया था, बट गाइज ड्रेडनो मिला, मेरे को एक्सपी मिली, मेरी टीम को एक्सपी मिली, अब हम लीड में रहेंगे, हमारी लेवल ज्यादा रहेगी, हम उनको अच्छे से मतलब लाइक हमारे पास एक एडवांटेज रहेगी। तो गाइस ड्रेडनो के लिए हमेशा जाया करो, और ड्रेडनो की टाइमिंग्स, रोटम की टाइमिंग्स वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, और रोटम की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो मेक श्योर गाइस ये जो कछुआ है ना इसको छोड़ो मत कभी भी। यहाँ पर गाइस अगर आपने अल्ट्रा या मास्टर कर लेना तो आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे 5v5 हमेशा होती है, एक बंदा भले ऊपर रहता है बट यहाँ पे गाइस पूरी की पूरी टीम आती है, और ये लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए भी। आप लोगों को गाइस एक शील्ड भी ग्रांट करती है थोड़ी देर के लिए। तो गाइस चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ पॉइंट नंबर फाइव में गाइस जंगल अगर आप ले रहे हो जितना जल्दी हो सके खत्म कर लो, इधर उधर किल करने के चक्कर में मत जाना। मैं आपको बताता हूँ क्यों गाइस, यहाँ पे मैंने जेरा ओरा लिया, मैंने फटाफट यहाँ पे गाइस जंगल करूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा सीधा किल करने। मैं इधर उधर घूम मतलब जंगल करने से पहले मैं किल करने नहीं जाऊंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब तक आपका जंगल फिनिश नहीं होता, जब तक आपके सारे बफ आप नहीं मार लेते किल करने मत जाओ। मुझे पता है आपके टीममेट अगर बोल रहे हैं यार उसकी हेल्थ कम है जंगलर जल्दी आ, थोड़ा सा पैनिक मत करो, अच्छी खासी लेवल के साथ जाओ। ये बहुत ही बेसिक टिप है जो कि जेरा और आपको पता है नए नए प्लेयर्स का जल्दी फेवरेट हो जाता है क्योंकि ऑफकोर्स स्पीडस्टर है जंगलर है। तो गाइस जैसे ही आप लोग यहाँ पे ये सारे बफ अपने चार बफ कंप्लीट करोगे सेंटर में टॉप स्क्रीन का यूज करके, जैसा कि मैंने बताया आप लोग देखो किसकी हेल्थ कितनी कम है और कौन बंदा कहाँ पर है, और गाइस बस वेट करो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं सीधा यहाँ पे जंप कर गया जब भी मैंने अपने फिनिश कर ली लेवल और आराम से इनको मार दिया, हालांकि ये शायद मेरे से बच के चला गया, बट गाइस मैंने वहां पर एक किल ले लिया। और एक किल लेते ही फटाफट वहां पे अगर आप देख रहे हो कि आप भसड़ कर रहे हो तो फटाफट जाओ रिस्पॉन और वापिस जंगल करो। तो गाइस चलो मैं अब आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर सिक्स। तो गाइस मैं आपको पॉइंट नंबर सिक्स में बताता हूँ करेक्ट आइटम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि गाइस आप लोगों को आइटम्स के लिए अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा, बट गाइस इस वाली मैं आप लोगों को बताता हूँ ये जो बडी बैरियर फोकस बैंड ये सब जो है गाइस पोकेमोन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो आप लोग गाइस क्या करना अगर आप एक पोकेमोन ले रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास समझ लो लुकारिया तो उस पर गाइस लोग क्या यूज करते हैं स्कोर शील्ड अटैक वेट, ठीक है, ये सब तरीके के यूज करते हैं आइटम्स, और उसके फायदे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन आप लोगों को वहां पे आइटम्स में ही दिख जाएंगे। और आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग आइटम्स लगाए कैसे हमको पता नहीं, तो गाइस जब भी आप पोकेमोन पे क्लिक करोगे ना और आइटम्स पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे एग्जांपल सेट्स होते हैं, वहाँ पे ऑफेंस डिफेंस तो आपको डिफॉल्ट मिल जाता है और वहाँ पे जो लोग मास्टर होते हैं उस पोकेमोन का वहाँ पर वो एग्जांपल सेट करके रखते हैं, तो वहाँ से भी आप उठा सकते हो, अदरवाइज आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो आइटम्स लगा के, बट गाइस आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर सेवन। तो गाइस पॉइंट नंबर सेवन में है आपको वाइल्ड पोकेमोन्स की टाइमिंग जरूर याद होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिल पप का स्पॉन टाइमर है गेम के स्टार्ट होती, और यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो ऑडिनो सबके टाइमर्स यहाँ पे आपको स्क्रीन, अगर आपको जल्दी जल्दी हो रहा तो पॉज करके देख लेना रिस्पॉन टाइमर क्या है स्पॉन टाइमर क्या है। तो गाइस इससे क्या होता है ना जब आपको पता होगा वाइल्ड पोकेमोन की टाइमिंग्स, तो अगर आप कहीं पर भी फाइट ले रहे हो या फिर कहीं पर भी इधर उधर घूम रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई इस टाइम पे जैसे कि 8:50 पे बीज आती है, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो आपको पता होगा कि भाई इस टाइम पे मेरे को रहना जरूरी है यहाँ पर क्योंकि बीज आएंगी अपोनेंट ना ले जाए। तो चलो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर एट में गाइस जो इजेक्ट बटन है ना उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो अल्टी मारने के लिए। इसमें आप लोगों को नहीं पता चलेगा बट दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये लोग भाग रहे थे तो मैंने इजेक्ट बटन मार के यहाँ पे अल्टी मारी ताकि मैं ना और रेंज कवर कर पाऊँ। बट गाइस वीनस और मैं आपको इतने अच्छे से पता नहीं चलेगा, ये आपको पता चलेगा गाइस कैमरॉट में, आई गेस मैंने उसका नाम सही प्रोनाउंस किया। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पर मैं हूँ, मेरा कैरेक्टर है, मेरे पास इजेक्ट बटन है, मेरे पास अल्टी है, ओके। तो गाइस यहाँ पर जैसे ही मैं देखो अल्टी मार रहा हूँ इतना एरिया कवर हो रहा है, आप लोग देख सकते हो ये गोल का ये वाला हिस्सा और ये गोल का ये वाला हिस्सा, राइट। और बस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने मारी अल्टी और गाइस अब मैं दबा दिया इजेक्ट बटन, तो आप लोग देख सकते हो मैंने कितना एरिया और कवर कर लिया। तो गाइस अगर आपने अल्टी मारी और आपका बंदा ना आपके अल्टी से बाहर निकल गया है खासकर इस पोकेमोन में तो आप इजेक्ट बटन दबाओगे तो आप उसको भी कवर कर सकते हो। तो चलो गाइस अब मैं आपको बता दूं पॉइंट नंबर नाइन में गाइस सबसे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, छोटा सा मिथ है, पता नहीं कुछ मिथ नहीं, कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि अगर आप बीच में स्कोर डाल रहे हो सर्कल में तो गाइस लास्ट पॉइंट तो ये है कि आपके लास्ट 2 मिनट्स में डबल स्कोर होता है, तो आप मेक श्योर अगर आपके पास 10 का गोल भी है ना तो जरूर मारो क्योंकि एनिमी अगर जैपडोज ले लेता है तो उसको मारने नहीं हमेशा काउंटर करने जाओ अगर आपके पास बिग गोल है। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है जब भी लास्ट के 2 मिनट्स होते हैं ना अगर आपने जैप लिया हो ना लिया हो आपको गाइस हमेशा डबल स्कोर मिलता है, अगर आप 50 का मार रहे हो तो आपको 100 का मिलेगा,
तो गाइस ऐसा नहीं होता कि अगर आप बीच में मार रहे हो 50 का तो आपको 100 मिलेगा और साइड में मार रहे हो तो अलग मिलेगा, ऐसा नहीं होता गाइस। कहीं पर भी मारो लास्ट 2 मिनट्स आपको डबल स्कोर साइड वाले गोल्स पर भी मिलेगा, बीच वाले गोल्स पर भी मिलेगा। कुछ लोगों को ऐसा मिथ लगता है कि भाई उसने गोल बीच में मार दिया ज्यादा पॉइंट्स हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। जितने पॉइंट्स आपके पास है उसका डबल ही आपको मिलता है लास्ट के 2 मिनट्स में। तो गाइस चलो मैं बढ़ता हूं सीधा पॉइंट नंबर 10 पर। और गाइस मैं आपको पॉइंट नंबर 10 में बताता हूं कि रॉटम होता है ना, आप उसको गाइस इस तरीके के स्टन वाले जगहों से, जो कि मतलब स्टन वाले पोकेमोन से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ब्लास्टो है, तो हमेशा रॉटम जैसी रॉटम एक ही है इसमें, रॉटम को हमेशा ना अपनी तरफ खींचो। एक छोटी सी टिप है, क्योंकि हो सकता है कि एनिमी वहां से स्टील कर ले या कुछ कर ले, बट हमेशा गाइस ब्लास्टो कर सकता है। हर पोकेमोन के पास एक ना एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो किसी को पुश कर सकता है। आप ड्रेडनो को पुश नहीं कर सकते, आपके पास कितनी भी एबिलिटी हो, बट गाइस रॉटम को और बंदों को आप लोगों को बताया कि पुश कर सकते हो। उसके ऊपर मैं पूरी एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा, ये मेरे को जल्दी जल्दी टिप्स एंड ट्रिक्स बनानी थी, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि हमने गेम स्टार्ट किया है बट समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है इसमें बहुत ही बेसिक टिप्स हैं, बट गाइस जिन लोगों ने गेम स्टार्ट किया उनके लिए काफी हेल्पफुल होंगी, और मास्टर के जो भी बैठे हुए हैं वो लोग कुछ ऐसा वैसा, पता है मुझे आप लोग क्या सोच रहे हो यार, ये सब हमको आता ही है, कैसे कह रहा है वो कह रहा है। आप घर में बैठो पुश करो। ये वीडियो थी मेरे नए सपोर्टर्स के लिए जो कि पोकेमॉन खेलना चाहते हैं। तो गाइस मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया, टेक केयर।